नमस्कार दोस्तों, गार्डन गेम चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम देखेंगे 20 ऐसे बेहतरीन प्लांट जो कि आपका जुलाई और अगस्त के महीने में बहुत सारा फूल देंगे आपको, और कलेक्शन बहुत बढ़िया है। और दोस्तों, एडेनियम का भी बहुत सारा वैरायटी है इस वीडियो में, तो नया नया वैरायटी सब मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो अच्छे से आपको दिखा सकूँ और आपको पसंद आए। तो शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आइए देखते हैं। दोस्तों, आज जुलाई का 24 तारीख होने लगा है और बहुत सारा फूल है दिखाने के लिए आपको, और पहले शुरू करते हैं दोस्तों गुड़हल से। गुड़हल को कौन नहीं जानता है, ऑल इंडिया पॉपुलर है ये और इंडियन क्लाइमेट के लिए सबसे बढ़िया पौधा रहता है ये। और ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, पूना वेराइटी है, और पूना वेराइटी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये सब फ्लैट खिलते हैं और रेगुलर फूल देने वाले पौधे होते हैं। ऑस्ट्रेलियन हिबिस्कस जो होता है उसमें दोस्तों आपका कभी कभी फूल आता है, लेकिन ये सब देखिए सब फ्लैट खिल रहे हैं और देखने में भी पूरा प्लास्टिक दिखते हैं दोस्तों, प्लास्टिक का फूल जैसे मानो लगा हुआ हो। और इसका देखिए येलो, आपका ऑरेंज और ये वाइट सब कलर है मेरे पास, और ये 12 महीने फूल देने वाला पौधा होता है। तो गुड़हल दोस्तों अभी बहुत सारा खिल रहा है, मिलीबग से इसे बचाइए। देखिए चींटियाँ जब आते हैं तो आप होशियार हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे चींटियाँ दिख रहे हैं तो मिलीबग जरूर होगा। ये देखिए ये शुरुआत है, शुरुआत से अगर आप कंट्रोल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये पूरे प्लांट पर लग जाते हैं और प्लांट को बर्बाद कर देते हैं दोस्तों। इसके लिए सुपर सोनाटा बेस्ट रहता है, दूसरा किसी इंसेक्टिसाइड का यूज आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें पत्ता भी येलो होता है तो केमिकल से थोड़ा बच के रहिएगा, सुपर सोनाटा बेस्ट है। और ये देखिए हमारा डबल लाल वंडा, ये भी आपको येलो एडेनियम जैसा ही दिखेगा। देखिए एडेनियम ही पूरा बिल्कुल ऐसा दिखता है दोस्तों, और ये बहुत हाइट में खिला हुआ है, करीब आपका 12 फीट के ऊपर खिला हुआ है। और ये प्लांट थोड़ा स्पेस रिक्वायर करता है, बाकी आलामंडा जैसे शॉर्ट हाइट में खिल जाते हैं, ये ऐसा है नहीं। और ये बहुत रेयर होता है दोस्तों और देखने में बहुत प्यारा। नेक्स्ट प्लांट है हमारा मुसेंडा, मुसेंडा का देखिए पिंक, ये बहुत खिला था दोस्तों, अभी कुछ कुछ बचा है इसमें, लेकिन देखिए देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मानो पिंक कलर के पत्ते सब लगे हुए हैं ऐसा दिखता है। और देखिए ये सारे ब्रांच में फूल था दोस्तों, अभी बहुत कम है, लेकिन जितना है देखिए देखने में बहुत प्यारा दिख रहा है। यहाँ सब देखिए फूल था, धीरे धीरे ये सब झड़ गया और कुछ कुछ बचा है इसमें। ये पिंक सबसे बेस्ट रहता है दोस्तों, रेड थोड़ा सेंसिटिव होता है। और ये देखिए ये प्लूमेरिया, इसे सिंगापुरी प्लूमेरिया बोलते हैं, और खुशबू के साथ साथ बहुत प्यारा फूल देता है। और दोस्तों ये पॉट वैरायटी है, आप गमले में भी लगा सकते हो इसे, और ये सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। देखिए थोड़ा थोड़ा ब्लैक स्पॉट आ रहा है इसमें, क्योंकि लगातार बारिश हो गया 4-5 दिन, तो फंगिसाइड का थोड़ा स्प्रे करना चाहिए। देखिए गमले में लगा हुआ है दोस्तों, सीमेंट के पॉट में, और यहाँ पे इसका बहुत सारा ब्रांच आया है, और देखिए बहुत बढ़िया हेल्दी भी है प्लांट। और यहाँ से देखिए ऐसे स्पाइक आएगा तो यहाँ पे भी फूल आ जाएगा, और एक बार ये स्पाइक आ गया तो फूल चलता रहता है आपका। और यहाँ पे है देखिए मांडाविला का वाइट और आलामंडा का ऑरेंज, दोनों को मैं एक साथ लगा दिया हूँ, और देखिए दोस्तों फूलों की बरसात हो गया है। इसमें NPK 19-19-19 डाइल्यूट करके दिया था मैं, और ग्रोइंग सीजन में और फ्लावरिंग सीजन में इसमें फर्टिलाइज़र रेगुलर देना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब हैवी ब्लूमर होते हैं, और फर्टिलाइज़र अगर आप ठीक से देते हैं और पानी ठीक से देते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया रहता है, ये सब चलते हैं। और पानी भी कम मत कीजिएगा फ्लावरिंग सीजन में, नहीं तो फूल मुरझा जाते हैं, और बारिश के महीने में ये सब आपके गार्डन में कलर ऐड करते हैं दोस्तों। हर तरह का प्लांट आपको रखना चाहिए। और ये देखिए ये है आपका कृष्ण तमाल, इसे पैशन फ्लावर भी बोलते हैं, पेसीफ्लोरा कोरो पांडा बहुत सारे नाम से बुलाते हैं। और इसका पैटर्न देखिए दोस्तों, यूनिक पैटर्न रहता है, राखी बेल भी बोलते हैं इसको। और इसका रेड, पिंक और ये पर्पल तीन कलर है मेरे पास। और देखिए यहाँ पे कैट क्लॉ वाइन है, इसके साथ ही मैं इसको दे दिया हूँ, दोनों सपोर्ट करते हुए ऊपर जाएंगे और फूल देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगता है दोस्तों। गुड़हल का मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि ये देखिए ये ऑस्ट्रेलियन वेराइटी है, और ये सब अभी समर में नहीं खिल रहे थे दोस्तों, फूल बर्ड्स ड्रॉप हो रहा था गर्मी के लिए, लेकिन जैसे ही बारिश आया और मैं फर्टिलाइज़र दिया तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। देखिए मल्टी ग्राफ्ट है, और यहाँ पे इसका ग्राफ्ट पोर्शन है, एक पौधे में दोस्तों बहुत सारा कलर का फूल खिलाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जब एक साथ मल्टी कलर खिलते हैं दोस्तों बहुत बढ़िया लगता है। ये देखिए ये रेड का एक ड्वार्फ वैरायटी है, शॉर्ट हाइट में ही फूल देता है और रेगुलर खिलने वाला फूल होता है। गुड़हल का जितना भी वैरायटी रखिए दोस्तों कम है, क्योंकि
बहुत सारा वैरायटी निकलने लगा है इसका। और यहाँ पे देखिए मोगरा, मोगरा का ये स्टार मोगरा है और ये दोस्तों फिर बर्ड्स से भर गया है। इसमें देखिए मैं रेगुलर प्रूनिंग करता रहता हूँ और आपका बारिश के महीने में भी ये फूल देता है। लोग समझते हैं गर्मियों में ही देता है, लेकिन आप फर्टिलाइज़र अगर रेगुलर देंगे और प्रूनिंग करेंगे तो ये रेगुलर फूल देगा आपको। और इसके पास है देखिए एक्जोरा, एक्जोरा का येलो वेराइटी है। एक्जोरा रेड कॉमन होता है दोस्तों, लेकिन ये येलो पिंक ये सब थोड़ा हटके लगते हैं, तो येलो मुझे बहुत पसंद है। और इसका पत्ता भी बहुत बड़ा आता है, ये थोड़ा लार्ज वेराइटी है, गमले में ही लगा हुआ है और देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया फूल दिया है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा जीनिया, और ये देखिए इसका पास है एडेनियम। एडेनियम का देखिए ये रेड स्ट्राइप रहता है येलो में, और बहुत बढ़िया पौधा कहूँगा दोस्तों। और यहाँ के देखिए इसके पास जीनिया, ये जीनिया का प्रोफ्यूजन है। प्रोफ्यूजन दोस्तों किसी भी महीने में फूल देने वाला जीनिया होता है। लोग बोलते हैं समर में ही ये देता है, ऐसा नहीं है दोस्तों। और यहाँ देखिए एक रेड है, डीप ऑरेंज बोल सकते हैं, और ये सब सीड से हो जाते हैं। और इनका सीड मैं रखता हूँ और बार बार डालता हूँ। देखिए गमला भर के आएगा, बर्ड सब हैं, और 15 दिन में देखिएगा गमला में भरा हुआ रहेगा ये फूल, पूरा खचाखच भर जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे है देखिए चांदनी का ड्वार्फ वेराइटी, मल्टीपेटल है, और ये भी रेगुलर फूल देने वाला पौधा है दोस्तों। इस सीजन में ये और आपका जीनिया ये सब लगाना चाहिए, क्योंकि बेस्ट गार्डनर वही कहलाता है जो हर सीजन में उसके गार्डन में फूल भरा रहे। और ऐसा पौधा आप रखिए जैसे कि ये सब परमानेंट भी होते हैं दोस्तों, और हर महीने फूल देने वाला पौधा होते हैं। तो विंटर में तो सबके गार्डन में फूल खिलता है, लेकिन अभी देखिए बहुत रेयर फूल सब खिल। और यहाँ पे देखिए टेकोमा का येलो, इसका ड्वार वेराइटी है दोस्तों, बहुत प्यारा लगता है पॉट में लगाने वाला वेराइटी। और बेल शेप में येलो कलर का फूल आते हैं, और देखिए आगे ये सब ब्रांच में भी फूल आएगा। रेगुलर इसमें फर्टिलाइज़र दीजिए, और इसका पिंक और आपका ऑरेंज भी आते हैं, रेड भी आता है दोस्तों। और यहाँ पे देखिए एडेनियम, एडेनियम बहुत अच्छा अच्छा वेराइटी सब निकलने लगा है। ये देखिए एक वाई कलर में है, ये बहुत छोटा सा पौधा है, और इससे आगे मैं जब बड़ा होगा दूसरे प्लांट में ग्राफ्ट करूँगा दोस्तों। ये देखिए ये नया लाया हूँ और इसे मैं सैंड में लगाया हूँ, क्योंकि बारिश बहुत तेज है और एडेनियम रेगुलर बारिश में अगर खड़े रहते हैं तो बालू में ही आप लगाइए, क्योंकि मिट्टी में अगर आप लगाएंगे तो सड़ने का खतरा रहता है, और वो खासकर नया प्लांट सब दोस्तों। और देखिए और एक नया वेराइटी है, ये भी बाई कलर में आता है, थोड़ा क्रीम कलर और मरून कलर में मिक्स आता है दोस्तों। और ये सब आगे और अच्छा करेंगे, और नया सब वेराइटी एडेनियम का निकलने लगा है, तो मैं ये सब कलेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों। एडेनियम एक परमानेंट पौधा होता है, तो ये दोस्तों रखना चाहिए, क्योंकि इसका लाइफ बहुत ज़्यादा है। किसी किसी प्लांट का आप 20, 25, 30 साल तक लेके जा सकते हैं आगे इनको। और ये देखिए पर्पल वेराइटी, पर्पल में भी कमाल का कलर आया है दोस्तों। ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और फेवरेट कलर हैं। और आगे मैं सोच रहा हूँ दोस्तों आप सभी को ये मैं ग्राफ्ट करके दूंगा, और इसीलिए एडेनियम का मैं बहुत सारा कलेक्शन कर रहा हूँ। तो एडेनियम अभी दोस्तों बहुत कॉस्टली हो गया है। मैं जब इन प्लांट को ख़रीद के लाता हूँ तो नया कलर सब रहता है, इसलिए कॉस्टली रहता है। 350-400 रुपया में भी दे के लाता हूँ। और ये देखिए ये मालती लता, ये सेंटर्ड प्लांट होता है दोस्तों, और इसका फूल बहुत बढ़िया खुशबू देता है, जूही जैसा स्मेल आता है दोस्तों, गार्डनिया और जूही का मिक्स आता है। और ये भगवान जगन्नाथ को चढ़ाया जाता है, उनका फेवरेट फूलों में से ये एक है, और ख़ासकर बारिश के महीने में ये जोरदार फ्लावरिंग करता है दोस्तों। ये प्लांट करीब एक साल हो गया है मेरा, और मल्टी ब्रांच आ गया है इसका, सारे ब्रांच पे इसका आपका फूल आ गया है। और इसके ऊपर मैं एक वीडियो लाया था, स्पेशल वीडियो, वो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ये सेंटर्ड प्लांट सब मुझे बहुत प्यारा लगते हैं, अच्छे लगते हैं दोस्तों, लेकिन इसको थोड़ा स्पेस चाहिए और दूसरे प्लांट का सपोर्ट चाहिए। अगर सपोर्ट देंगे तो ये बहुत बढ़िया करता है। और देखिए ऐसे क्लस्टर में इसमें फूल आते रहते हैं दोस्तों, एक के बाद एक खिलता रहता है। और ये है देखिए सोन टका, इसे हिंदी में सोन टका बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं बटरफ्लाई जिंजर लिली, वाइट जिंजर लिली। तो इसका नाम मुझे पता नहीं था दोस्तों, मेरे कुछ सब्सक्राइबर ही बताए मुझे, तो उन सभी को थैंक्स करना चाहूँगा। और ये भी बहुत बढ़िया खुशबू देता है, और इसका पत्ता हल्दी के पत्ते जैसा रहता है, अदरक फैमिली से होता है दोस्तों।
और इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाया था, वो आप नहीं देखें तो देख लीजिएगा। तो सेंटर्ड फूल सब अभी खिल रहे हैं और गार्डन महक रहा है दोस्तों फूलों से। दिन में चाहे रात में जब भी आप जाते हैं तो गार्डन महकता रहता है फूलों से। रात में दोस्तों ये सब जो रहता है रात रानी और पारिजात भी अभी खिलने लगा है। मेरा नया नया वीडियो सब आएगा उसके ऊपर। तो आप किस प्लांट के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, दूसरा कुछ प्लांट देखते हैं। ये दोस्तों आपका पोर्सलैन का येलो वेराइटी, इसका हर कलर आ जाता है और हैंगिंग बास्केट के लिए बेस्ट रहता है, लेकिन बारिश अभी तेज़ है इसीलिए मैं इसे हैंग किया नहीं हूँ। देखिए कितना सारा फूल खिला हुआ है और रेगुलर खिलने वाला फूल होता है दोस्तों। तो ये सब पौधे आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं और एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।